ना दिन मस्ती का कहाँ रह गया? अरे पीछे चले गया। चले। Hey guys, welcome back to my new vlog. अभी कभी सुबह के 10 बज रहे हैं, काफ़ी लेट हो चुका हूँ। ये रास्ता हम सबका बहुत पुराना है, घर के पास में ही पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं है। भाई दे दे यार, कब देखा साइड। आज इतने मेहनत से गाड़ी को साफ किए हैं, आज का अच्छा हो गया तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा। अब तो यहीं पर जाम लगाना, यहाँ पे ओवरटेकिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यार। तो ये रास्ता वही 4 लाइन के पास में, 4 लाइन के ऊपर में चढ़ जाना है। तो हम सब डायरेक्टली जा रहे हैं। आज आपको मैं कुछ एक अपने घर के सबसे बेस्ट जगह का लोकेशन बताने वाला हूँ, जो काफ़ी अच्छा है फोटो शूट के लिए या वीडियो शूट के लिए, काफ़ी अच्छा प्लेस है। वो प्लेस मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा पास में ही है। तो अभी हम सब उधर ही जा रहे हैं। मेरे साथ आज आयुष है। दस बजे का दिया हुआ था, जो मौसम सही हो जाएगा, थोड़ा सा बारिश का चांस है 30%। क्या बोला यश रोशन, कब आएगा? ये रास्ता सबसे बेस्ट है इधर का, एकदम खाली खाली, वातावरण भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे खेती बाड़ी भी बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ रास्ता काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये लोकेशन भाई, क्या लोकेशन है। तेरी ये रास्ता है, अरे खराब। यहाँ पे अच्छा रोड अगर बना दे तब बात ही अलग है। बिहार सिर्फ एक ही कारण से पीछे, थोड़ा सा पीछे है, क्योंकि यहाँ का जो नेता सब है चोर है, सारा पैसा खा जाता है, एक भी रास्ता नहीं बनाता है। और जो बोलते हैं कि बिहार में प्रोग्रेस नहीं है क्योंकि वहाँ के आदमी सब अनपढ़ है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बिहार का जाकर देख लो, इतिहास पढ़ लो, और अभी जो इतिहास बना रहा है वो भी पढ़ लो, फिर पता चलेगा बिहार में कैसे कैसे आदमी आते हैं, यानी कि यहाँ के आदमी कितने टैलेंटेड हैं। आई प्राउड टू बी अ बिहारियन। कहाँ रह गया? अरे चले गया। चलो कोई बात नहीं है, पहुंच गए ना। क्या भीड़ लगा हुआ है, सब बोल रहा था कि से बंद होगा, ऐसा कुछ कहाँ है। उतरेगा, उतरो, गाड़ी कहीं पे लगाते हैं। क्या हुआ, क्या करेगा तुम, पप्पा नहीं ना बन सकता है। अच्छा इसको करो ना, गाड़ी घुमाओ, वहां पे लगाओ, जहाँ पे हम गाड़ी लगाए ना वहां पे लगाओ, लगाओ उसको, लगा लो अब। ले लेना
पता है यही गाड़ी को ना मॉडिफाई करके वो बनाया हुआ था ऑडी कलरफुल कुछ नहीं किया था आगे का ग्रिल बस चेंज कर दिया था भाई। चला मेरा है आगे खुद चार लिया है बे हमको दो दिया है रोशन का है यार। अच्छा क्या मतलब हो गया ना हाँ जल गया। लेफ्ट हैंडेड वाले को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है क्या तीन लगाना है या फिर 11 तीन लगाना या 11 पाँच ना ये आप यहाँ पे अपना नारियल बांध सकते हैं सिंह के मंदिर का पूरा साइड नारियल बांधने नहीं बजट नहीं है हम लोग का बैचलर क्या कर सकते चार हुआ था भाई नहीं पाँच है ठीक है चल सुबह अरे मंदिर के अंदर बसा दिखाएगा बे शर्म नहीं है तो आना हम सब का बेकार हुआ क्योंकि मॉल जो है वो बंद है। अब क्या करना है क्या करना क्या है वही ना बहुत बड़ा पोपट हो गया हम सब का। तो अभी आगे देखते हैं कुछ खाने के लिए हम सबके लिए मिल जाए तो सही है। गूगल पे अपडेट नहीं किया उसके लिए पता नहीं चला होगा। चलो तो अभी हम सब जा रहे हैं दूसरी तरफ देखते हैं कहीं पे अच्छा सा खाना मिल जाए। वो किधर गया किधर गया उधर से गया है ना वो लक्ष्मी चौक तरफ निकलेगा क्या हा? लक्ष्मी चौक तरफ निकल रहा है वन बाइट। चलो वन बाइट में ही खा लेते हैं। चलते हैं यहीं पे पास में है क्योंकि जो हमसे यहाँ पे खाना चाह रहे थे वो नहीं मिला। वो उधर कहाँ चला गया वो वहाँ पे है ना हाँ हाँ वही है वो हॉट एंड स्पाइसी। अरे मंदिर से है ना आज कौन सा दिन है हाँ तो खा सकते थे लेट्स गो बेबी। आयुष तेजा खाना खाने के बाद लग रहा है एक नया एनर्जी आ गया है। आजकल मामा से बहुत चेक करते हैं क्या बोलता है मामू। तो यहाँ पे एक लोकेशन है मैरीन ड्राइव आई थिंक मैरीन ड्राइव रियल मैरीन ड्राइव तो नहीं है लेकिन हाँ उस लोकेशन का नाम दिया गया है मैरीन ड्राइव छोटा मैरीन ड्राइव है। तो बस वहीं पे जा रहे हैं क्योंकि वहाँ का लोकेशन काफ़ी अच्छा है बिहार का जुगाड़ ऐसा होता है इसे कहते हैं जुगाड़ू। ओ बेटे
ओ माय गॉड दी, और तू तो बड़े हैवी ड्राइवर है। डिंग 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 डोंग 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 डिंग 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 डोंग 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 डिंग 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 डोंग डोंग डोंग। ए ए बॉय भाई कितना मस्त नजारा। तो हम सब फाइनली पहुंच चुके हैं मेन लोकेशन पे जहाँ पे हम सबको फोटो शूट करवाना है। क्या कहे, मेरा ब्लॉग खराब करने में तो सबसे आगे रहेगा ना। तो देखिए कुछ ऐसा लोकेशन है यहाँ का। कहाँ पे, कहाँ पे डियर बर्ड है? तुमको बताया वो रेयर है? बहुत ब्लू कलर का, वो मैंने नेट पे देखा था, बहुत रेयर है। चलो पकड़ के बेचते हैं। तो फाइनली आयुष अपना गन निकाल लिया है और वो शूट करने को तैयार। ये बॉय। तो फाइनली आज का जितना भी शूट था वो सारा कंप्लीट हो चुका है और देख सकते हैं अभी आयुष सब वहाँ पे कॉर्नर में अपना वीडियो शूट करवा रहा है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।